हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे झंडू शिलाजीत कैप्सूल के फ़ायदे, जो कि आपको हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को, आपको ताकत और सहन शक्ति में सुधार में मदद करता है, आपको ऊर्जा और सहन शक्ति देता है। दोस्तों, हम इसके बारे में देखेंगे एक कैप्सूल होता क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, इसके यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और इसके डोज कितना लेना चाहिए हमें और इसको हमें सावधानियां क्या देखना होता है, हमें इसमें वीडियो में देखेंगे। तो अगर दोस्तों हम लोग बात करें झंडू शिलाजीत कैप्सूल के बारे में, तो ये जो होता है झंडू शिलाजीत कैप्सूल एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट होता है, जो कि आपको ऊर्जा और सहन शक्ति को इंक्रीज करने में ये मदद करता है। ये जो शिलाजीत होता है, एक जो होता है एफ्रोडिएक, मतलब कि कामोत्तेजिक, मतलब आपको काम करने की जब इच्छा शक्ति कम हो जाती है तो इसको ये इंक्रीज करता है। सेक्स करने का जब मन नहीं करता है तो इसको आप सेक्स करने की इच्छा को जगाता है। यह जोश और जीवन शक्ति को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। दोस्तों अगर दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो क्या क्या होता है, तो शिलाजीत एक्सट्रैक्ट होता है, जिसे हम लोग शिलाजीत का अर्क कहते हैं, इससे ये मिलकर बनाया जाता है। अगर दोस्तों बात करें कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये आपको इम्प्रूव करता है एनर्जी लेवल को, ये आपको एनर्जी देता है, आपके सेक्सुअल स्टेमिना को बढ़ाता है, आपको मैनेजमेंट करता है क्रोनिक फैटिक जो बहुत पुराना दर्द है, थकान है, उसको भी ये ठीक करता है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो ये पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, इन्हेंस करता है मेंस के फर्टिलिटी को। और दोस्तों इसका यूज देखें तो ये क्या करता है, ये इस फार्मुलेशन में जो होता है शुद्ध जड़ी बूटियाँ शामिल होता है, जो कि आपको ताकत को बढ़ाने में सहायता करती है। ये जो जोश और जीवन शक्ति को बढ़ाने में भी उपयोग होता है, ये आपको प्रमोट करता है सेक्सुअल इलनेस को, आप जो सेक्सुअल इलनेस रहता है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, आपको जो बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, आपको जो इम्यूनिटी होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको भी ये बढ़ाता है। आपको जो ये दोस्तों होता है नियमित सेवन करने से आपको यौवन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। दोस्तों अगर उसके वार्निंग प्रिकॉशन के बारे में बात करें कि हमें क्या सावधानियां प्रिकॉशन देखना होता है, तो हमको जो भी मेडिसिन कैप्सूल को लेने के बाद इसका जो कैप रहता है उसको टाइटली क्लोज करके रख देना चाहिए हमेशा। ये दोस्तों अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में और चिल्ड्रेन के लिए। दोस्तों इसको जब भी इसका लेबल जो होता है केयरफुली चेक करें, जिससे कि आपको पता चलेगा इसका एक्सपायरी डेट। और दोस्तों इसको स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस पर रखें और अवे फ्रॉम द सनलाइट से रखें। और ये जो होता है दोस्तों कीप आउट ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के पहुंच से दूर रखें, इसको ज़्यादा डोज में ना लें, जितना बताया गया है उतना ही लें और इसको जो है मेडिकल सुपरविजन के ही ऊपर लें आधार। अगर इसके डोज के बारे में बात करें दोस्तों कितना हमें लेना चाहिए कैप्सूल को, ये कैप्सूल को दोस्तों आपको एक से दो कैप्सूल ट्वाइस डेली, मतलब आई डायरेक्टर बाई और फिजिशियन, मतलब एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में ले सकते हैं। तो बाकी दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा गुरुकुल 563 को। थैंक यू सो मच दोस्तों।